हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे ड्वेलिटी थ्योरम। ड्वेलिटी का मतलब होता है आपका प्लस को आप डॉट में चेंज करें या डॉट को प्लस में चेंज करें, तो वही आपके ड्वेलिटी का प्रोसेस होता है। एंड इसके थ्रू आपका एक्सप्रेशन जो होते हैं वो फाइंड आउट होते हैं। टू गेट अ ड्वेल ऑफ एनी बुलियन एक्सप्रेशन रिप्लेस, जब भी आप ड्वेलिटी फाइंड आउट करेंगे तो आपको रिप्लेस किससे करना है? एंड को आप रिप्लेस कर देंगे और से, एंड को आपको रिप्लेस करना है और से, एंड और को आपको रिप्लेस करना है एंड से, यानी एंड और से चेंज हो जाएगा और एंड से आपका चेंज हो जाएगा। दूसरी कंडीशन है नॉट, आप किसी से चेंज नहीं, नॉट नॉट से ही आपका चेंज होगा, नॉट में आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तीसरा आपका है नॉर है, नॉर को आप एंड से चेंज, नैंड से चेंज कर सकते हैं, नैंड से चेंज करेंगे और नैंड को आप नॉर से चेंज कर देंगे। एंड फोर्थ में आपका है एक्सॉर, एक्सॉर को आप किससे चेंज करेंगे? एक्सॉर को आप एक्स नॉर से आप चेंज कर सकते हैं, एक्सॉर को आप एक्स नॉर से चेंज कर देंगे। तो यहां पर आपका ये ड्वेलिटी का प्रोसेस होता है। और कहीं पर आपका अगर जीरो है तो जीरो को आपको वन से चेंज कर देना है, वन को आपको जीरो से चेंज कर देना है। तो यही ड्वेलिटी का आपका एक्सप्रेशन होता है। ड्वेलिटी के अंदर यही आपके रूल होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई नैंड ऑफ वाई इक्वल टू आपने एक्सप्रेशन लिखा है ए प्लस बी का बार, ये आपका नैंड है। नैंड में क्या कहता है ये, अगर आप इसको क्या करें नॉर में चेंज करना चाह रहे हैं, नैंड को अगर आप क्या करें, या आप सिंपल अभी हम एंड की बात करते हैं, ये आपका एंड है। और देखिए जब आप इसे चेंज करेंगे तो जो आपके लिटरल्स होंगे उनकी पॉसिबिलिटी चेंज नहीं होगी। अगर उसके ऊपर बार है तो बार में कोई चेंज नहीं। सिंपल ड्वेलिटी का अगर प्रोसेस है तो प्लस आपका डॉट में चेंज होना है, डॉट आपका प्लस में चेंज होता है, यही कंडीशन आपकी होती है। एंड ड्वेलिटी तब अप्लाई होगी आप जब एंड आपका प्लस को डॉट में या डॉट को प्लस में चेंज करें और वो और में कन्वर्ट हो जाए तो वो आपका ड्वेल होगा। जैसे यहाँ पर एंड उसके ऊपर जो आपके लिटरल के ऊपर अगर बार है नहीं है तो उसे कोई चेंज नहीं करना आपने। तो जैसे आप यहाँ पर चेंज करेंगे ड्वेल में, ड्वेल में चेंज करेंगे तो वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका ए डॉट बी, यानी आपने प्लस को डॉट में चेंज करना है। अब फिर से इसको ड्वेल में चेंज करेंगे, आप इसका फिर से ड्वेल निकालेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका a प्लस बी। और दूसरी कंडीशन जो मैं भी आपको बोल रहा था, मान लीजिए मैंने एक फंक्शन लिखा है a बार प्लस बी, ये आपने लिखा है, इसको ड्वेल में कन्वर्ट करना है, तो आप f इक्वल टू इसका ड्वेल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा a बार डॉट बी। मीन्स लिटरल को आपने कोई चेंजेस नहीं करना है, लिटरल आपका कॉन्स्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंजेस आपको नहीं करना है। अगर वो बार में है तो बार में ही रहेगा, अगर विदाउट बार है तो आपका विदाउट बार ही वो रहेगा। केवल आपको प्लस को डॉट पे चेंज करना है, डॉट को आपको प्लस में क्या करना है चेंज कर देना है, यही आपकी कंडीशन होती है। इसी को आप लिटरल के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। ये तो आपकी लिटरल की कंडीशन थी, लिटरल के अंदर आपका ड्वेल की कंडीशन थी। ड्वेल होता है आपका, और दूसरा आता है आपका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में तो आप क्या करते हैं या रिवर्स की आप बात करते हैं तो आप बार लगा देते हैं। तो ये ड्वेल में आपका देखिए एंड आपका और में चेंज हो जाएगा, और आपका एंड में चेंज जाएगा, नॉट आपका नॉट में रहेगा, नॉर को आपका नैंड में चेंज हो जाएगा, नैंड आपका नॉर में चेंज हो जाएगा। ड्वेल जब आप करेंगे, एक्सॉर आपका एक्स नॉर में चेंज हो जाएगा, एक्स नॉर आपका एक्स और में चेंज हो जाएगा जब आप ड्वेल इसका परफॉर्म करेंगे। ऐसे जीरो आपको वन बना देना है। जैसे मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन आपने लिखा है ए बी प्लस ए बार बी प्लस ए बार बी इक्वल टू आपका वन है, ये एक्सप्रेशन आपको दिया है, इसमें आपका वन है। तो इसमें क्या होता है, जब आप ड्वेल में इसको कन्वर्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड अगर कन्वर्ट करेंगे तो राइट हैंड साइड भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी इसे आप ड्वेल में कन्वर्ट करेंगे तो ये ए प्लस बी हो जाएगा आपका, यहाँ पर डॉट आ जाएगा, प्लस डॉट में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बार प्लस बी हो जाएगा आपका, ये डॉट में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए बार प्लस बी इक्वल टू इधर आपका क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो ये आपकी एक्सप्रेशन इधर की तरफ क्या हो जाएगी, आपकी जीरो ये रिटर्न हो जाएगी। यानी इस साइड अगर आप चेंज करेंगे तो राइट हैंड साइड पे भी आपको चेंजेस करने हैं। ये ड्वेलिटी का आपका प्रोसेस होता है, ये ड्वेल है। अब इसको रिवर्स की अगर हम बात करते हैं या आपको इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, ड्वेल और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस होता है कि कॉम्प्लीमेंट में आपके लिटरल के जो कंडीशन है वो भी चेंज होगी, बार भी चेंज हो सकता है आपका, विदाउट बार भी चेंज हो सकता है। जैसे आपने लिखा है वाई इक्वल टू ए बी बार, अब इसका आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें तो आप बार करेंगे, जब आप बार करते हैं तो y इक्वल टू ये डी मॉर्गन थ्योरम से a बार प्लस b बार का बार हो जाता है, बार से बार कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर a प्लस b आ गया, a बार प्लस b बार आ गया। तो यहाँ आपका चेंज हो गया कुछ कंडीशन, पहले आपका a b बार था, अब आपके पास a बार प्लस b हो गया। यानी यहाँ पर आपके जो भी आपके लिटरल है उसका एक्सप्रेशन की कंडीशन भी आपकी चेंज हुई है, बार एंड विदाउट बार भी आपका चेंज हुआ है। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट की कंडीशन है, ये कॉम्प्लीमेंट की कंडीशन है, और ये आपका 12 है।
तो डुअलिटी आपका इस टाइप से रिप्रेजेंट होता है। थैंक यू स्टूडेंट।